तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी पैसा लोगों के लिए आज का दिन बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने सभी कार्यों को निपटाने में एक्टिव रहेंगे, जिससे आपके अधिकारी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। वहीं व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने व्यापार में आर्थिक मामलों में थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि बेवजह के खर्चे के कारण आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं युवा जातकों की बात करें तो जो जातक गायन कला में रुचि रखते हैं या इस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, वो क्लासिक आज म्यूजिक पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड बहुत अधिक है। आज यदि आपको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो आप अपने छोटे भाई बहनों से आर्थिक मदद लेने के स्थान पर अपने पिता या बड़े भाई बहनों से सहयोग ले तो अच्छा होगा। सेहत की बात करें तो यदि आप अपने शौक के लिए मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो आप मादक पदार्थ का सेवन त्याग दें, अन्यथा आपको किडनी से संबंधी कोई समस्या अधिक परेशान कर सकती है, जिसके कारण आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो फ्रीलांस से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अधिक शानदार रहेगा। ग्रहों की सपोर्ट से आज आप किसी बड़े होटल या रेस्टोरेंट या किसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से आपकी नौकरी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। वहीं व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो जो लोग किराने का व्यापार करते हैं, आज वह ग्राहकों की आवाजाही से बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे, उनके माल की बिक्री भी बहुत अधिक रहेगी और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को यदि किसी कार्य को करने के लिए पुराने उपाय सही नहीं लग रहे हैं तो वह अपने करियर के लिए कुछ नए रास्ते खोज सकते हैं। आज आप अपने घर के बड़ों से किसी बात को लेकर कोई जिद ना करें, अन्यथा आपकी जिद आपको दूसरों की नज़रों में गिरा सकती है। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो आज आपको सरदर्द की समस्या बहुत अधिक परेशान कर सकती है। आज आप किसी उलझन में भी उलझ सकते हैं। ऐसी समस्याओं में आप काम के साथ स्थान पर आराम अधिक करें। आराम करने से आपको आपकी सेहत में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। आज का दिन थोड़ा सा परेशानी भरा रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपने दफ्तर में कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, परंतु आप सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने कार्य को पूरा करने में आगे रहेंगे, जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते रहें। युवा जातकों की बात करें तो आपको इधर उधर समय बर्बाद करने के स्थान पर रिविज़न का कार्य शुरू कर देना चाहिए। आज आप अपने पारिवारिक विवादों के चलते किसी प्रकार का कोई निर्णय ना ले तो अच्छा रहेगा। आपकी सेहत की बात करें तो आज आप जंक फूड या बाहर के खाने से बचे रहें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिससे आपको आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। आज का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके दफ्तर में आपके लिए कार्यों में कुछ कमी रहेगी, परंतु कड़ी मेहनत करने के बाद भी आप जैसा परिणाम चाहेंगे आपको वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो जिन लोगों का ट्रांसपोर्ट का व्यापार है, आज उन्हें एक साथ कई ऑर्डर मिल सकते हैं, जिनको पूरा करने में आपको बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु यह आपको अपेक्षित लाभ भी दिलाएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। वहीं युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक यदि किसी के साथ प्रेम प्रसंग में पड़े हुए हैं तो आज अपने प्रेमी के साथ या अपने किसी मित्र के साथ में कोई शंका ना पाले। वैसे भी रिश्ते की नींव विश्वास पर होती है। आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यदि आपका आपके जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर मतभेद या तनाव चल रहा है तो आप अपने जीवन साथी के साथ बैठकर बातचीत करके एक दूसरे की कमियों पर चर्चा करके कमियों को दूर करने का प्रयास करें। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो यदि आप पहले से बीमार हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा परेशान ना हों। आपकी सेहत में आज से कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, इसलिए आप अपना इलाज कराते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। आज का दिन ठीक ठाक रहेगा।
नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज के दिन आपको दूसरों का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी कठोर मेहनत और भाग्य का सपोर्ट आपको सभी कार्यों को बनाने में आपकी मदद करेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो जो लोग फ्रेंचाइजी देखकर कारोबार का विस्तार कर रहे हैं, उन्हें इस बार सामने वाले व्यक्ति को परखने के बाद ही फ्रेंचाइजी देनी चाहिए। वहीं युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों के संबंध आज कम्युनिकेशन गैप के कारण कुछ खराब चल रहे हैं, तो आज संबोधि की दूरियों को दूर करने का प्रयास करें। छोटे बच्चों का जन्मदिन है तो अभिभावक अपनी संतान की ओर से कुछ दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन है आज वो अपने दिन की शुरुआत दान पुण्य से ही कर सकते हैं। आज आपकी सेहत की बात करें तो आज आप अपने पैरों को गर्म पानी से धोएं तथा टाइम निकालकर अपनी रूप सज्जा पर भी विशेष ध्यान दें। हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक काम के पूरा होते ही दूसरे काम की जिम्मेवारी आपको मिल सकती है जिसको पूरा करने में आपको बहुत अधिक समय लग सकता है। वहीं व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनके रिश्ते में खटास आ सकती है, इसलिए आप इस ओर से पहले से ही सावधान रहे तो अच्छा रहेगा। वहीं युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों के धैर्य और क्षमता की परीक्षा भगवान ले सकते हैं, इसलिए आप अभी रोकर कोई नई गलत कार्य करने से बचे, अन्यथा आप किसी समस्या में फंस सकते हैं। आज आप अपने घर के गार्डन को थोड़ा सा समय दें, इससे आपका गार्डन तो बहुत अधिक खूबसूरत होगा ही, आपको प्रकृति का प्यार भी मिलेगा। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आप ऊनी कपड़े ले जाना ना भूलें, अन्यथा ठंड लगने के कारण आप बीमार पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में। आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपने दफ्तर में काम बिना गलती के हो इस बात का ख्याल रखें और उसके बाद ही कोशिश करने के बाद अपने कार्यों को अंजाम दें। वहीं व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी वर्ग विषम परिस्थितियों का भी सामना सहजता से करें तो अच्छा रहेगा। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक अपने आध्यात्मिक कार्यों पर बहुत अधिक ध्यान दें। आज आप धर्म कर्म का कार्य करें तो अच्छा रहेगा। आपके पुण्य के कामों में वृद्धि हो सकती है और आपका मन भी बहुत अधिक शांत रहेगा। आज माता पिता अपने संतान को लेकर थोड़ा सा सावधान रहे, अपनी संतान के रवैये पर नज़र रखें, क्योंकि आपकी संतान आपसे किसी बात को लेकर झूठ बोल सकती है। इसके कारण आप बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं और मानसिक तनाव में आ सकते हैं। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो आज आपको चर्म रोगों की समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए आप अपनी स्किन पर कोई भी क्रीम इत्यादि लगाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें, नहीं तो आपको चर्म रोग की समस्या बहुत अधिक परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। तो आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपने दफ्तर में अपने ऑफिस के कार्यों को पूरा करने में बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे। आपने यदि अपने परिवार के लिए कोई प्रोग्राम बना रखा है तो आपको उन्हें कैंसिल भी करना पड़ सकता है। वहीं व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके व्यापार में आपका दिन सामान्य रहेगा, जिसे लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। धीरे धीरे आपका व्यापार अच्छी उन्नति करेगा और आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक किसी की भी मीठी मीठी बातों के बहकावे में ना आए। कुछ लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसाने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसे लोगों से आप बहुत अधिक सावधान रहें। आज आपको परिवार पर यदि किसी प्रकार का कोई संकट आ गया है तो आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर संकट का सामना करें, निश्चित रूप से आपकी समस्या हल हो सकती है। वहीं सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन पेट के लिए अधिक सावधानी वाला रहेगा। आज आपके पाचन शक्ति में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए आप हल्का फुल्का और सुपाच्य खाना ही खाएं। अधिक चिकनाई और गरिष्ठ भोजन करने से बचें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के बारे में। आज का दिन शानदार रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो जो मेडिकल फील्ड में कार्य करते हैं उन्हें बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि डाटा लॉस होने के कारण आप
बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, इसलिए आप हैंड टू हैंड अपने डेटा को सेव करते रहें। वहीं व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आज व्यापारी अपने व्यापार में अधिक धन कमाने के चक्कर में कोई गलत कार्य ना करें, बल्कि अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर बहुत अधिक ध्यान दें, अन्यथा आपको व्यापार में लॉस भी हो सकता है। वहीं युवा जातकों की बात करें तो आज दूसरों की बातें सुनने के स्थान पर आप अपने मन की सुने, उसके बाद ही कोई कार्य करें, अन्यथा आप किसी और के बहकावे में आकर गलत कार्य कर सकते हैं। आज आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपना समय बिताने का प्रयास करें तथा अपने घर के बड़े बुजुर्गों को अपनी दिनचर्या का पूरा ब्यौरा अवश्य दें। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो सेहत संबंधी मामलों में आपको पेट की समस्याएं बहुत अधिक परेशान कर सकती है। पेट की दिक्कतों के कारण आप बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा ऑयली चीज़ खाने से परहेज करें, संतुलित भोजन करें, तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में। आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो बैंक से जुड़े हुए लोगों को आज टारगेट पूरा करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, फिर भी आप बड़ी मेहनत करके अपने टारगेट को पूरा करने में सफल रहेंगे और आपके बड़े अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। वहीं व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करें, अभी रिलैक्स करने का समय नहीं है। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बना सकते हैं। युवा जातकों की बात करें तो युवाओं के मन में आज बहुत अधिक उत्साह रहेगा, जिससे आपके सभी कार्य बनते हुए नजर आएंगे। आज ग्रहों की स्थिति के कारण आपके घर का माहौल बहुत अधिक अच्छा रहने वाला है। आज आपको आपके ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिसको सुनकर आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। यदि आपके घर में किसी का स्वास्थ्य खराब है तो आप उनकी सेवा करते रहें और उनकी सेवा के साथ साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु से प्रार्थना भी करें तो अच्छा रहेगा। उन्हें दवाइयाँ समय पर खिलाते रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, उन्हें आज प्रमोशन मिल सकता है। अपने देश की कंपनी में ही आपको अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है, जिसमें आपको वेतन भी बहुत अधिक मिल सकता है। वहीं व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी आज अपने व्यापार को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें। आज आपकी सरकारी अधिकारियों के साथ में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, आप किसी भी प्रकार की बहस करने से बचें, अन्यथा आपके शारीरिक सरकारी अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके व्यापार में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक आज वाहन चलाते हुए थोड़ी सी सावधानी बरते और यातायात के नियमों का भी पालन करें, नहीं तो आपका चालान कट सकता है। आज आप किसी भी प्रकार के अनचाहे रिश्ते के लिए हामी भरने से बचें, अपने परिवार वालों से अपनी बात दिल की बातों को कहें, आपकी बातों को वह ज़रूर समझेंगे। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो आज आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, चिंता करना आपकी सेहत के लिए बहुत अधिक हानिकारक हो सकता है, इसलिए तनाव से दूर रहें। वहीं बात करते हैं अब मीन राशि वालों के बारे में। आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपने दफ्तर में कार्य करते समय अपने कार्यों को दोबारा से रीचेक भी करते चले, क्योंकि नकारात्मक ग्रहों के कारण आपसे कोई गलती हो सकती है, जिसके कारण आप परेशानी में फंस सकते हैं और आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। वहीं व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपने व्यापार में जोखिम भरे कार्यों को ना करें, नहीं तो आपके व्यापार में हानि हो सकती है। आज धन का निवेश सोच समझ कर ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके कारोबार के लिए भी बहुत अधिक अच्छा रहेगा। वहीं युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को आज उनके गुरुओं का स्नेह मिल सकता है। अगर आप उनसे बहुत समय से मिले नहीं हैं तो आप उनसे मिलकर उनके साथ कुछ समय बिताने का प्रयास करें। आज आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बातों का बुरा ना माने, बल्कि उनकी बात के मतलब को समझें, क्योंकि वो आपका भला ही चाहते हैं। वहीं आपकी सेहत की बात करें तो आज आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज आपका स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के लिए अलर्ट रहें।